इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, एलजेपी के सभी सांसद आज पटना जाएंगे। इसी हफ्ते राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना से संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, तैयारी पूरी हो गई है और जो कयास लगाए जा रहे थे कि पहले संसदीय दल के नेता के तौर पर पद गया और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी पद चला जाएगा चिराग पासवान के हाथ से? जी हाँ, बिल्कुल। अब पारस गुट की अगली कोशिश यही है कि संसदीय दल के नेता तो बन गए, लोकसभा में वो नेता के तौर पर स्थापित हुए, मान्यता मिल गई, लेकिन पार्टी पर पकड़ तभी होगी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकेंगे। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद चिराग पासवान के पास है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की एक प्रक्रिया है। हर पार्टी का एक संविधान होता है और जाहिर है उस संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार यदि वो चलेंगे तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या पार्टी में कोई भी सिंपथाइजर चिराग पासवान के साथ खड़ा नहीं है? क्या ऐसा लगता है कि चिराग पासवान ने भी सरेंडर कर दिया है? देखिए, ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटना सारे सांसद पारस गुट के आज आ रहे हैं और आगे यहीं पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी इसी हफ्ते बुलाई जा सकती है। उस बैठक में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव पास होगा, तो अब ये देखना होगा कि कार्यकारिणी में कौन लोग चिराग का साथ देते हैं और कितने पशुपति पारस का साथ देते हैं। इसके अलावा जो पार्टी का संविधान कहता है उसके तहत जो और बैठकें होंगी जिसमें ये प्रस्ताव पारित करना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें किनके कितने समर्थक हैं। तो असली लड़ाई जो होगी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी और वहाँ कौन कितना ताकतवर है, किसको कितना के साथ मिलता है, इसके बाद ही यह तय हो सकेगा। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है पशुपति पारस सभी सांसदों का ज्यादा मजबूत नजर आते। नीतीश, आप लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।